साथियों, इन घोर भ्रष्टाचारी परिवारवादियों को ना तो मध्यम वर्ग की चिंता है और ना ही गरीब की, ना ही पिछड़ों की। वंचित, दलित या किसान, किसी की इनको चिंता नहीं है। नौजवान या मेरी माताएं बहने, उनके लिस्ट में ही नहीं है। भाइयों, इन परिवारवादियों ने कोरोना के समय में जो किया, उसे उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। 100 साल की सबसे बड़ी मुसीबत कोरोना पूरी दुनिया को 2 साल से चपेट में लिया हुआ है। पूरी मानव जात इस मुसीबत में फंसी हुई है, लेकिन ये परिवारवादी आपकी मदद करने के बजाय अपने घर में घुसकर बैठ गए, अपने को बचाते रहे। ये भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों की चिंता करती थे। भाइयों बहनों, हमें गरीब की चिंता है। इस कोरोना के कालखंड में मेरे किसी गरीब परिवार के घर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। किसी गरीब के घर में कोई ऐसा दिन ना आए कि उसका घर का चूल्हा न जला हो। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन देकर के उनको हमने इस मुसीबत से बचाने का सेवा भाव से, पवित्र कर्तव्य भाव से काम किया है। अगर यूपी में का सरकार होती तो क्या होता? अनाज राशन माफिया हड़प कर जाते, रुपये उनके जेब में चले जाते। लेकिन योगी जी के राज में आपका हक आप तक पहुंच रहा है।